अभी तक कुछ नहीं दिख रहा हमें, दूर दूर तक एक आधे घर दिखे हैं। तो भाई अभी हम गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट जमजेदपुर के गांव समाना में, जमजेदपुर ये उस साइड का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक गांव है समाना। हमें शुरू में बता दिया था लोगों ने कि मतलब पहाड़ों में है तो वहाँ पे होटल वगैरह खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब मेन गेट यहाँ से 50 मीटर पीछे है। तो अभी हम जा रहे हैं एक गांव की तरफ, तो उस गांव में जाके हम देखें कुछ खाने पीने का मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बाकी हम स्पेशली तो जा रहे हैं कि गुजराती गाँव कैसे होते हैं उस हिसाब से देखने जा रहे हैं कि कुछ मिल जाए अच्छा सा देखने को। क्योंकि हम सुबह हमारी जो थी धर्मशाला उससे जल्दी निकल लिए थे, तो उसकी वजह से भूख लग रही है। वहाँ से हम आपने देखा होगा कि 3-4 बजे निकल लिए थे, तो अभी यहाँ टाइम से पहले पहुँच गए, 3-4 घंटे हैं हमारे पास। तो अब देख के आते हैं, काफ़ी मौसम भी अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है। मिट्टी वाले पहाड़ हैं यहाँ, वैसे नहीं है कि वो पत्थर वाले जो होते हैं ना, मतलब हरे भरे पहाड़ हैं, पूरे पेड़ वगैरह सब मस्त, मतलब प्लेट्यू टाइप में कि थोड़े ऊँचे हैं। तो भाई यहाँ से अभी आ रहे थे 1.5 किलोमीटर, तो एक अंकल दूध वाले अंकल थे, उनसे कहा कि अंकल गांव कितना आगे, हमें कुछ खाने पीने का चाहिए। तो अंकल भाई काफ़ी अच्छे थे, बोले मैं घर फ़ोन कर देता हूँ, फ़ोन वगैरह निकालने लग गए कि घर पे जाके खा लेना कुछ। फिर मैं जैसे ये पानी क्रॉस कर रहा था, सचिन वहाँ से बैग लेके आ रहा था, मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो मेरा पैर टिकते टिकते बच गया सांप पे। पर ये मरा हुआ लग रहा है मेरे को, देखिए मेरा, पर कुछ नहीं कह सकते भाई, मरा हुआ है, जिंदा है। मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से आपको, मेरे तो वही निकल गई थी। तो भाई ये है सांप, ये हलचल तो कर नहीं रहा कुछ, लेकिन हम निकल लेते हैं भाई, क्या पता सुन रहा हो बातें कि क्रॉस करेंगे जब। ठीक है भाई निकलते हैं साइड से, उठा ले भाई इसको, वाइब्रेशन ज़्यादा जाती हैं, कुछ हो नहीं रहा वैसे, इसको उठा लेना। वैसे भी देख देख के क्या तो और भी हूँ, तो भाई आए तो थे बिस्किट खाने, लेकिन ट्रैवल एडवेंचर सा हो रखा है, अब तो शक भी होने लग गया आगे अजगर ना मिल जाए। तो यहाँ से अंकल ने बताया कि 1.5 किलोमीटर है उनका घर भी, और गांव में कोई शॉप वगैरह है वो भी। तो घर तो यार क्या करेंगे जाके हमें, मतलब खुद ही ऐसा लगा क्यों किसी को परेशान करना। बाकी अंकल ने भी काफ़ी फोर्स करा कि खा लेना भाई घर जाके, नाश्ता वगैरह कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हमने मना कर दिया कि कोई बात नहीं अंकल, वैसे वो ये भी कह रहे थे कि घर से कोई छोड़ने आ जाएगा वापस, घर जाके एक बार मतलब नंबर वगैरह दे रहे थे अपने, लेकिन हमने नहीं करा यार परेशान, क्यों किसी को परेशान करना। तो भाई ऐसा कुछ रहा यहाँ तक का, अब आगे का देखते हैं क्या सीन रहता है आगे, मतलब वापस हमें जाना है कितने बजे तक सचिन? 8 बजे तक वापस जाना, अभी 7 बज रहे हैं, और अभी यहाँ से 1 किलोमीटर तो होगा ही, बता रहे हैं, और फिर 1.5 किलोमीटर और वापस आना, मतलब लगा लो वापस तो 3 हो जाएगा ना। हाँ एक तो हम चल ही पड़े थे, तो देखते हैं। वैसे उन्होंने पागल बना दिया वहाँ एयरफोर्स स्टेशन पे, हमने एक बंदे से पूछी थी, वो बोला 1 किलोमीटर ही है। उन्हें तो कहाँ पता होगा, जिसने पता हो उतना बता दिया यार, बंदा रहता है तो ये, तो उस बंदे ने यार रोड भी तो काफ़ी चीज़ें बताई कि उससे चले जाओ ऐसे चले जाओ ऐसे चले जाओ। हाँ वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बताई, लेकिन उसने ये तो उसको पता होगा उतना ही बताया, गलत बता दिया ना कि 1 किलोमीटर है, वरना वो भी 3 किलोमीटर बता था दूसरा वाला गाँव, तो उधर था 3 किलोमीटर। हाँ तो हम 3 किलोमीटर और वो 3 से फालतू मिलता, जब वही तो बात है, हम 3 वाले पे उसको अंदाजा नहीं होगा ना यार, ज़्यादा लग रहा था यही 3 निकला। तो अभी चलते बाइक वाइक पे आते जाते होंगे ना, तो बाइक से ये है भाई 5 मिनट लग गई, तो 5 मिनट में कहाँ रास्ते का अंदाजा लगता है कि कितनी दूर है। अब देखते हैं कुछ खाने वगैरह का मिलता है नहीं मिलता, बाकी वैसे भी मजे आ रहे हैं, रास्ता मतलब बहुत गजब सा है। मैं दिखाता हूँ यहाँ के घर वगैरह कैसे बना रखे हैं, मतलब स्लेट क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, ऊपर वो जचा जचा के बनाते हैं ना प्लेट से पत्थर की, वैसी छतें बना रखी हैं यहाँ पर ज़्यादातर, उसमें तो बहुत जामुन लगते हैं। तो भाई ये घर है, यहाँ पे जाके देखते हैं चाय वगैरह मिलती है कुछ, करें इनसे बातें और पूछ के। गांव में चल भी है, गांव में ना होता भाई कैमरे वैमरे देख के वे लोगों की वैसे हालत खराब हो जाती है, नहीं छोड़ देंगे भाई। नारियल के पेड़ तो दिखे नहीं जो मेरा मेन मोटिव था, खजूर के पेड़ दिख रहे हैं, बाकी एक बोरा एक आगे भी है। तो अभी देखते हैं भाई क्या कुछ रहता है, आते टाइम कोशिश करेंगे लिफ्ट लेके गाड़ी में, या फिर अलग अलग लिफ्ट लेके बाइक में आए, मैं पहले पहुंच जाऊंगा मैं और बैग, और सचिन को यहाँ छोड़ दूंगा अगर लेट हो गए तो, क्योंकि मेरा कुछ काम है बता रखा हुआ लास्ट व्लॉग्स में आपको, तो मैं थोड़ा पहले निकल जाऊंगा, सचिन लिफ्ट वगैरह लेके नहीं पैदल आ जाएगा फिर घूमता घूमता।
डेढ़ किलोमीटर और चलने के बाद हमें कुछ नहीं मिला। अभी तक ये तो वो लगा लो कि रेगिस्तान है, चले जा रहे पानी मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। व्हीकल भी बहुत मिला है अभी तक, बारिश आ रही है अच्छी। व्हीकल भी वगैरह भी एक आधे मिले थे, गाड़ी थी, एक स्कूटी वाले थे, एक वो अंकल जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, तो यही सब मिले। अभी आगे चल के देखते हैं, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा हमें, दूर दूर तक एक आधे घर दिखे हैं। और घर भी यहाँ पे वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, देखो दिखाता हूँ मैं कि एक कमरा हो गया ऐसे इस टाइप के, मतलब वो बैकवर्ड टाइप का लग रहा है मेरे को थोड़ा, पर अपने खेतों में भी ऐसे होता है क्या पता, इनके घर अच्छे हों थोड़े। तो भाई अभी भी दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा, तो यार अभी मतलब बहुत देर से चले जा रहे हैं, घर वगैरह आए हैं कोई, अभी इनमें कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। अगर कोई दिखेगा तो उससे पूछेंगे कि भाई खाने पीने की दुकान है क्या आसपास, अभी इसमें लग रहा है कि कोई रहता होगा, बाकी देखते हैं। अभी कपड़े वगैरह तो सूख रहे हैं लेकिन शायद कोई नहीं है, तो कपड़े वगैरह तो सूख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन लगता नहीं कोई रहता हो क्योंकि अब तक जितने भी आए हैं उसमें कोई नहीं रहता, तो इसका भी नहीं लग रहा। अभी गांव का पता नहीं, काफ़ी मतलब ये लगा लो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर तक दिख तो रहा है कि गांव है, लेकिन उसका भी नहीं पता वहाँ जा के कैसा क्या है, खाने का मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ। तो बाकी अभी चलते हैं, एक अंकल आ रहे हैं, इनसे पूछ के देख लेते हैं एक बार, क्या पता यही हेल्प कर दें थोड़ी सी। रेनकोट गीला होने के लिए होता है भाइयों। गांव कहाँ पे है? बस थोड़ा सा दूर है, जो दिखा रहे मंडी। हाँ, वो मंडी के बारे में बस स्टैंड है, स्कूल है। कहाँ का रहने वाला है आप? हरियाणा के अंकल? हरियाणा में मैं महेंद्रगढ़ का, वो गुड़गांव का। इंटरव्यू में आया गए हो आप? हाँ, यहाँ पे सबने खाया पिया है। अच्छा, हरियाणा का डॉक्टर साहब था अंकित साहब। आप क्या करते थे? पानी का सप्लाई। हरियाणा में आप नहीं गए? यहाँ। अच्छा, एयरफोर्स स्टेशन में, वहीं आएंगे हम थोड़ी देर में। अभी मैं खाना पीना खा जाते हैं, कुछ मिल जाए तो दुकान वगैरह पे। ठीक है, ठीक अंकल। ठीक, तो भाई लोग गांव के काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ के शहरों के कुछ कह नहीं सकते। शहरों में भी यही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती है, लेकिन ये अंकल बढ़िया लगे, पीछे वाले अंकल बढ़िया लगे। एयरफोर्स स्टेशन पे जो गार्ड खड़े थे वो अंकल भी अच्छे थे। गाँव के लोगों की यही बात है, आप कहीं भी चले जाओ वो लोग मतलब अपनापन है, बाहर से भी कोई आता है ना उसको भी मतलब। इनने खुद ही पूछा हमसे रोके कि क्या है, इनको लगा कि राम राम वगैरह कर रहे हैं कुछ, लेकिन इनने रोका फिर साइकिल, फिर पूछा हमसे मतलब क्या है, फिर हमने बताया कि यहाँ से आए, फिर बात भी करी उनने। शहरों वालों में क्या है आप पूछ लिए, शहरों वालों में क्या है कि आपने पूछ लिया भैया वहाँ जाना है, ना डिला देंगे या फिर कह देंगे उधर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो यार अभी ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, कैमरा पर पानी आ रहा है, तो अभी आगे का शूट शायद बैक कैमरा से करते हैं या फिर वहाँ जाके ही दिखाता हूँ। वैसे 7:15 तो बज चुके हैं, अभी देखते हैं यार क्या रहता है, मेरे को लग नहीं रहा टाइम से पहुँच पाएंगे, लेकिन पहुँचना तो है ही। ठीक है भाई, सचिन भाई तो आगे बैठ गया भैया के साथ, ले लिया हमने कुछ यहाँ पे लिफ्ट वगैरह, तो अभी यहाँ से सीधा गांव में चलेंगे। मैं थोड़ा पीछे बैठ गया, मेरे को थोड़ा हवा हुआ पसंद है, मतलब गाड़ी वगैरह में तो बैठे रहते हैं, तो अभी चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। अब भाई हम गांव में पहुंच चुके हैं, उस भाई ने लिफ्ट दे दी थी, उससे थोड़ी जल्दी पहुंच गए। अब इन ताऊ से पूछते हैं दुकान कहाँ, पूछ मुझे तो ये बता रहे हैं इस साइड है दुकान। मोहित पूछने के लिए जा रहा है, तो इस गांव के अंदर जानेंगे। अब मेन गांव के अंदर ही होती है दुकान, तो जो बिल्कुल सेंटर होता है ताकि सबको आसपास ही लगे।
आधी हालत तो हमारी इस बैग ने ख़राब कर रखी है, क्योंकि इसको छोड़े बिना हम कहीं जा भी नहीं सकते, और ये भारी है क्योंकि दोनों के कपड़े इसी के अंदर हैं। तो नहीं तो मोहित भाई लेके आया इसको काफ़ी दूर से, मैं तो यहीं रास्ते में ये लगा लो एयरफोन, कुछ नहीं होता इसको पकड़ा कर। तो बता तो रहा हूँ कि भाई मोहित लेके आया है, तो बताने से कुछ नहीं होता भाई। तो बिस्किट वगैरह ले लिए हमने, वो दादी काफ़ी अच्छी थी, उनकी थोड़ी लैंग्वेज में हमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो पता नहीं 20 तोला ऐसा कुछ कब कह रही थी। फिर मोहित भाई ने कहा कि भाई ये पैसे के लिए बोल रही है कि और पैसे दे, तो उन्होंने मतलब वैसे उन्होंने उन्हीं चीज़ों के पैसे लिए जो हमने लिए हैं, लेकिन वो थोड़ा उस मतलब गुजराती में बोल रही थी, तो हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी समझने में, लेकिन अब हमने चीज़ें ले ली है, बिस्किट लिए थोड़े से। छोड़ दो अंकल। नहीं अंकल, समझ में नहीं आया, उनने ऐसे मना कर दिया जैसे मैंने कुछ मांगा हो। हाँ उनको कहीं है जो यहाँ पे हिंदी मतलब कम ही लोगों को आती है, गांव में तो फिर भी यार दिक्कत होएगी बिल्कुल, गांव में तो बड़ी फील आ रही है हम कि मतलब कहीं केरला की साइड चले गए जहाँ पे समझ में नहीं आता किसी को कुछ। नहीं ऐसा लग रहा है कि हम फॉरेन में आ गए। मैं दिखाता हूँ और पीछे का व्यू मतलब मस्त है, गाँव मेरे को अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। अब अभी जा रहे हैं हम भाई, ज़्यादा सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने अपन की फीलिंग होती है गांव वाले लोगों में, और उसी वजह से हम इतने दूर आ गए कि हाँ कोई तो अच्छा मिलेगा, इतने दिन हो गए घूमते घूमते। और मिले काफ़ी दो तीन लोग मिले अच्छे, दादी भी बढ़िया थी, रास्ते में 2-3 अंकल मिले थे, उन्होंने भी बढ़िया पूछा कि भाई हमारे घर पर खाना खा लेना, रुक जाना थोड़ी देर बाद, आ जाना ये वो, पर बात करके अच्छा लगा मतलब सबसे। पर ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है किसी के घर पर रुकना, क्योंकि यार गांव में थोड़ा वो भी है कि लोगों को अजीब भी लगता है कि भाई इसके घर दो अनजान रुक रहे हैं, तो उस चक्कर में हमने नहीं रुके। अब पीछे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी है, चलो लिफ्ट वगैरह लेके आप फिर करता हूँ, पे मिलते हैं। भगवान की दया से जिस भाई से लिफ्ट ली थी जाते टाइम वही भाई मिल गए, तो अभी तो जल्दी पहुँच जाएंगे, 5-5 मिनट पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको थोड़े व्यूज दिखा देता हूँ गाँव का कैसा क्या है। ज़्यादा आ रही है